नमस्ते स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं भूषण, वीर रस के कवि भूषण। भूषण का जन्म होता है 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1715 ईस्वी में। भूषण का जन्म कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका मूल नाम घनश्यामदास था और इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी के द्वारा दी गई। भूषण ने ऐसे तो अनेक राजाओं के दरबार में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान इन्हें महाराजा शिवाजी और राजा छत्रसाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवाभावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार एवं ओज गुण का विशिष्ट है। भूषण की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। भूषण वीर रस के कवि हैं और रीतिकाल के राष्ट्रकवि के रूप में भूषण जाने जाते हैं। रीतिकाल के राष्ट्रकवि, रीतिकाल के कवि हैं भूषण और रीतिकाल के कवि नहीं, रीतिकाल के राष्ट्रकवि। अपन एक कवि की बात करें राष्ट्रकवि तो वो भूषण के है, रीतिकाल के राष्ट्रकवि हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि और भूषण के 5 कवित लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारों जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता है, वह यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जम्बासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चित्ते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़ इसी प्रकार कवि भूषण जो भूषण कवि हैं वो शिवाजी की तुलना किससे कर रहे हैं? गरुड़ से, सिंह से, इंद्र से, बाज एवं सूर्य से करते हैं। कवि मानते हैं कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व। अब शिवाजी के कवित्व। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। ऐल फैल खेल बैल झलक खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल शैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी दरा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावरियों हलत है। इनके कठिन शब्दार्थ। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सजी का अर्थ है सजागर, चतुर सैन यानी सेना के चारों अंग, हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिक यानी सेना के चारों अंग। अंग का अर्थ है शरीर, उमंग का अर्थ उत्साह, धारी यानी धारण करके, सरजा शिवाजी की एक उपाधि है, जंग यानी युद्ध, जीतन चलते यानी जीतने चलते हैं, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के। भूषण कहते हैं, भूषण बनत का अर्थ है कहते हैं, नाद का अर्थ है शब्द, बिहद यानी भारी, घोष नगर यानी नगाड़ों की आवाज़। नदी नद मद गेवरन के लद के रलत है। नद यानी विशाल नदी, मद यानी मदमस्त हाथी से, हाथी के कानों से टपकने वाला दर्व, गेवरन यानी हाथियों, रलत है यानी बहते हैं। एल फैल का अर्थ है सेना के फैलने या चलने से, एल फैल यानी सेना के फैलने या चलने से। खेल बेल यानी खलबली मचना। खलक का अर्थ है संसार में गेल गेल यानी गली गली, सभी मार्गों पर। गजन की ठेल पेल सेल उसलत है, गजन का अर्थ है हाथियों की ठेल पेल, गजन का अर्थ है हाथियों की ठेल पेल से यानी ठेल पेल का अर्थ है धक्कों से। सेल यानी पर्वत भी उसल यानी उखड़ जाते हैं।
तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी। तारा सो तरनी, तरनी का अर्थ है सूर्य, तारा का अर्थ है तारा, तारे के समान। दूरी धारा यानी धूल से भरी, दूरी धारा का अर्थ है उड़ती हुई धूल, धूल से भरा हुआ। लगत जिमी, जिमी यानी जैसे। धारा पर पारा पारावार यूं हालत है, धारा पर पारा, पारा अर्थ पारा होता है जो अपने पारा होता है जो लुढ़कता है, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, हालत है यानी हिलता है। अब कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कवि कह रहे हैं कि साजी चतुरन शैन अंग में उमंग धरी सरदार शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे, कवि विभूषण कह रहे हैं कि जो शिवाजी हैं, कि शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए, शिवाजी जंग जीतन चलते यानी युद्ध में विजय पाने के लिए साजी यानी सजाकर चतुर रंग शैन अंग में उमंग धारी की विशाल सेना सजाकर मन में उत्साह भरकर चलते हैं। शिवाजी मन में, शिवाजी जंग जीतने के लिए मन में उत्साह भरकर सेना के चारों अंगों को सजाकर जब चलते हैं। भूषण भनद नाद भी है नगारन की, तो भूषण कहते हैं सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। भूषण भनद नाद भी है नगारन की यानी सेना के नगाड़ों का, युद्ध के अंदर पहले क्या है कि नगाड़े बजते थे, तो सेना के नगाड़ों का क्या है नाद घोष गूंजने लगता है। नदी नद मद गेवरन के रलत है, और हाथियों की हाथियों के सर से जो टपकने वाला मद है वह नदी के समान बहने लगता है। नदी नद मद गेवरन के रलत है, और जो कि हाथियों के सर से बहने वाला मद है, पसीना है, वह नदी के, नदी जो जिस प्रकार बहती है उसी के समान बहने लगता है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल। अब यहाँ पर शिवाजी कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार में खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है? शिवाजी की जो सेना है जब वह आगे बढ़ती है तो सारे संसार में खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल सेल उसलत है, और गजन यानी हाथियों की, गजन यानी हाथियों की जब शिवाजी सेना में असंख्य हाथी हैं तो वह जब चलते हैं तो उनके धक्कों से शिला भी क्या है कि उखड़ती हुई सी प्रतीत होती है, शिला भी उखड़ने लग जाती है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विशाल सेना के चलने से जो धूल उड़ती है, भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी की जब विशाल सेना चलती है तो दूरी धारा यानी धूल उड़ने लगती है, तो उस उड़ती हुई धूल में सूर्य भी क्या है कि एक तारे के समान दिखाई देने लगता है। जब शिवाजी की सेना चलती है तो धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि सूर्य भी है वो तारे के समान दिखाई देने लग जाता है। धारा पर पारा पारावार यूँ हालत है, और धरती के हिलने से धारा पर पारा पारावार यूँ हालत है। धारा यानी धरती, धरती के हिलने से समुद्र में क्या है, समुद्र भी हिलने लग जाता है। जब उनके असंख्य हाथी सेना जब धरती पर चलती है तो धरती क्या हिलने लगती है, और धरती के हिलने से समुद्र भी हिलने लगता है। समुद्र किस प्रकार हिलता है? जिस प्रकार थाली के अंदर एक पारे की बूंद जैसे इधर उधर लुढ़कती है, उसी प्रकार समुद्र के अंदर पानी कभी इधर उधर कभी उधर होता है। यहाँ पर भूषण ने शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरा, सबन के ऊपर ही ठाडो रहबे के जोग, ताई करो क्यों छह हजारीन के नियेरे, जानी गेर मिसिल घुसीले गुसाधारी मन, किनो ना सलाम न बचन बोले शेरे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियेरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, शह मुख नौरंग सिपाह मुख परे पियरे। यहाँ पर अब भूषण क्या करें, भूषण शिवाजी के बारे में कह रहे हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। फिर शिवाजी कैसा व्यवहार औरंगजेब के साथ करते हैं और उनके मुख की चमक कैसी है, कैसे वे दिखाई देते हैं। ठाडो यानी खड़ा किया,
जोग का अर्थ है योग्य, ठाडो रहे भी यानी खड़ा किया, जोग का अर्थ है योग्य। खरो क्यों 6,000 के नियरे, खरो यानी खड़ा, 6,000 यानी मनसब, 6,000 मनसब। मुगल काल में एक मनसब, एक प्रथा चलती थी मनसबदारी की, और उन्हीं के निमित्त उन्हें जो राजा जितना अधिक सम्मान प्राप्त करता था उसे उतना ही अधिक मनसब दिया जाता था, बादशाह द्वारा एक पद दिया जाता था। तो 6,000 यानी 6,000 वाले जितने भी बादशाह थे के नियरे, नियरे का अर्थ होता है पास। जानी गैर मिशिल गुशिले गुसा दारी दारी मन, गैर मिशिल यानी बराबर का न होना, जानी यानी जानकर, जब शिवाजी जानते हैं कि उन्हें बराबर वालों के बीच में खड़ा नहीं किया, गुशीले गुस्सा धारी मन, तो उन्होंने क्या है कि अपने मन में क्या धारण किया, गुस्सा धारण किया, क्रोधी हो गए, गुस्सा हो गए। किन होना सलाम न बचन बोले शेरे, किन होना सलाम और ना ही सलाम किया, न बचन बोले शेरे, शेरे का अर्थ होता है नरम हुए ठंडे, नरम या ठंडा। तो उन्होंने क्या है कि ना ही वचन बोले, ना ही ठंडे वचन बोले। भूषण बनक महावीर बलकन लाग्यो, अब भूषण क्या कहते, भनत कहते हैं, बालकन लाग्यो ने उत्तेजित होने लगे, बालकन लाग्यो ने उत्तेजित होने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जुएरे, पातशाही का अर्थ होता है बादशाह यानी दरबारी लोग, पातशाही का अर्थ होता है दरबारी लोग। जुएरे यानी प्राण होश, तमक दे लाल मुख शिवा को निर्घी भय, तमक यानी क्रोध आक्रोश, पे लाल मुख, उनका लाल मुख शिवा यानी शिवाजी, निर्घी यानी देखना, निर्घी यानी देखना, श्या मुख यानी काला मुख, नौरंग, यहाँ पर नौरंग लिखा है औरंगजेब के लिए, सिपाही यानी उनके सिपाही, मुख पेरे यानी मुख पीले पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं कि उनको पूरा मान सम्मान नहीं दिया शिवाजी को, और उनको क्या है कि छोटों के साथ खड़ा कर दिया, तो उनका क्या है कि अपमान होना हो जाता है। तो भूषण वहाँ पर कहते हैं कि, भूषण कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ पर व्यवहार किया, शिवाजी ने किस प्रकार व्यवहार किया। औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी क्या है कि औरंगजेब के दरबार में जाते हैं कि औरंगजेब राजा है जो क्या है कि हमें उचित मान सम्मान देगा, इसलिए वो क्या है कि उनके दरबार में चले जाते हैं। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबो के जोग, ताई करो क्यों 6,000 की नियरे, अपनी वीरता और प्रभाव के कारण शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबो के जोग यानी सबके ऊपर, ठाडो यानी खड़े रहने के, जोग यानी योग्य, शिवाजी क्या है कि अपनी वीरता के कारण सबसे ऊपर खड़े रहने के योग्य थे। ताही खरो क्यों 6,000 के नेरे, लेकिन खरो क्यों 6,000 के नेरे, लेकिन उन्हें 6,000 मनसबदार के पास खड़ा किया, किसने, औरंगजेब ने। जानी गैर मिशिल मिशिल गुस्सा धारी मन, 6,000 के पास खड़ा किया, इसे अत्यंत अनुचित और अपमानजनक मानते हुए स्वाभिमान और क्रोधी शिवाजी के मन में बड़ा रोष छा गया। जानी गैर मिशिल गुस्सा धारी मन, गैर मिशिल का अर्थ है बराबर करना होना, खुद का अपमान होना। जब शिवाजी ने खुद का अपमान महसूस किया तो वो क्या है कि मन में उन्होंने गुस्सा धारण कर लिया। किनो न सलाम न वचन बोले शेरे, और उन्होंने ना तो सलाम किया और ना ही ठंडे वचन बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, बलकन का अर्थ है, बलकन लाग्यो का अर्थ है उत्तेजित होने लगे। तो शिवाजी के मन, उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही ठंडे शब्द बोले। जब अपना अपमान किए जाने पर शिवाजी उत्तेजित तो होने लगे तो उन्हें भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, और क्या है कि वो अपना अपमान महसूस कर तेज से बोलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तो उनका वह रुद्र रूप देखकर सारी पातशाही के उड़ाए गए जेरे, जियरे यानी कि सारी पातशाही, पातशाही का अर्थ दरबारी लोग, सारे दरबारी लोगों का क्या है, होश
उड़ गए प्राण से उड़ गए, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। तमकते लाल और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, निरखी का अर्थ है देखकर, तमक यानी तेज, तेज से लाल मुख, लाल मुख गुस्से में लाल होना, रुद्र रूप प्रकट करना, शिवा को निरखी भय यानी शिवा को देखकर, और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर शह मुख नौरंग, जो औरंगजेब है उसका मुख कैसा हो गया, शह मुख यानी काला हो गया, काला पड़ना, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाही मुख पीले, और सिपाहियों के मुँह है वो कैसे हो गए, पीले पड़ गए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भूषण भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी को उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्हें 6000 मनसब के बीच खड़ा किया, 6000 मनसब के बीच खड़ा किया, तो अब खुद का अपमान महसूस कर उन्हें गुस्सा आ गया और उनके भुजाएं फड़कने लगी। तो इससे क्या है कि जो सारे बादशाह लोग हैं उनके प्राण से उड़ गए, सारे बादशाह उड़ान गए, जेरे उनके सारे बादशाह लोग जो दरबारी लोग हैं उनके प्राण से उड़ गए, और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर, क्रोध से लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और जो सिपाही थे उनके मुख कैसे हो गए, उनके मुख पीले पड़ गए। यहाँ पर भी अतिशोक्ति का वर्णन किया है भूषण ने, यहाँ पर भूषण ने शिवाजी की अतिशोक्ति का वर्णन किया, तेरे ही बुझाने पर भूतल को भार, कहबे को शेष नाग दिग्नाग हिमालय है, तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, कछु करतार को नेता मधि अमल है, साही तने सरजा समत्य शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, तेरो ही बुझाने पर भूतल को बार। अब यहाँ पर भूषण कह रहे हैं शिवाजी को कि तेरो ही बुझाने पर यानी बुझाओं पर, भूतल यानी इस भूमि का, इस धरती का को बार, कि तेरी ही बुझाओं पर इस धरती का बार है, बुझाने यानी बुझाओं पर, बोतल यानी इस संसार का, कहबे को शेष नाग दिग्नाग हिमालय, कि कहने को शेष नाग, वह शेष नाग जिसने इस धरती को अपने फन पर टिका रखा है, दिग्नाग चारों दिशाओं के हाथी, हिमालय हिमालय पर्वत, तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, यहाँ पर भूषण कह रहे हैं शिवाजी के लिए तेरो अवतार, तेरा अवतार है, तेरा इस भूमि इस धरती पर जन्म लेना है, वह जग पोषण भरणहार, इस संसार जग यानी संसार पोषण भरणहार, संसार का पालन पोषण करने के लिए वह, कछु करतार को नेता मधि अमल है, कछु करतार को नेता मधि अमल है, करतार का अर्थ होता है ईश्वर विदाता, ता मधि यानी उसमें, अमल यानी प्रयत्न, अमल का अर्थ है प्रयत्न, साही तने सर्जा समत शिवराज कवि, अमल प्रयत्न कार्य अधिकार, साही का अर्थ है साह, तने यानी पुत्र, सर्जा का अर्थ है शिवाजी की उपाधि, समर्थ यानी समर्थ शक्तिशाली, समर्थ का अर्थ है समर्थ शक्तिशाली, जीवो तेरो ही सफल है, भूषण कहत, भूषण कहते हैं जीवो यानी जीना तेरा ही सफल है, तेरो करबल करे मलेच्छन को काल, तेरो यानी तुम्हारी, करबल यानी तलवार, करे मलेच्छन को काल, मलेच्छन का अर्थ है यानी अत्याचारी आदमियों का, अत्याचारी पुरुषों का, मलेच्छन को काल अत्याचारी लोगों का काल, काल का अर्थ है नाश अंत, काल का अर्थ है अंत नाश, बिन काज के होत काल बदनाम धरातल है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भूषण, यानी बिन काज बिना काम के ही होत काल, काल यानी यहाँ पर काल किसके लिए कहा गया, यहाँ पर काल कहा गया कलयुग के लिए, बदनाम धरातल है, कि धरातल है अब ऐसे ही बदनाम है। अब भूषण क्या कह रहे हैं शिवाजी के बारे में, भूषण कहते हैं कि हे सा पुत्र शिवाजी, तेरे ही बुझाने पर बोतल गुबार, कि तुम्हारी ही बुझाओं पर इस धरती का बाहर है, कहबे को शेष नाग दिग्नाग हिमालय, कि कहने को तो शेष नाग और चारों दिशाओं में जो हाथी हैं हिमालय हैं उन पर है, लेकिन कहने को तो उनके ऊपर है, लेकिन वास्तव में इस धरती का बाहर तुम्हारी ही बुझाओं पर है,
तेरो अवतार जग पोषण भरण हार। तुम्हारा तो इस भूमि पर अवतार ही जगत की सुरक्षा करना और उसके पालन पोषण करने के लिए है। कछु करतार को ने ता मदी अमल है कि इसमें ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। साहित ने सर्जा समत शिवराज कवि भूषण कहते जीवो तेरो ही सफल है। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं कि जीना तो तुम्हारा ही सफल है ये सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज। सच कहें तो आज के राजाओं में कि हे शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है, आप ही सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हो और आपका जीना ही इस धरती पर सफल है, आपका जीना ही सार्थक है। तेरो करबल करे मलेच्छन को काल। अब यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार ही अत्याचारियों का अंत करने वाली है या अंत कर रही है। शिवाजी कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं कि तेरो करबल करे मलेच्छन को काल, कि तुम्हारी करबल यानी तलवार, कि तुम्हारी ही तलवार है जो जिसने कि इस धरती पर अत्याचारियों को मारा है, यानी अत्याचारियों को मार रही है, अंत करने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। बेचारा काल तो प्राण लेने के लिए व्यर्थ ही बदनाम चला आ रहा है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। काल यानी जो काल, कि बिना काम के तो काल, बिना काम के ही काल धरातल पर है, इस धरती पर बदनाम होता चला रहा है। लेकिन मलेच्छों का अंत तो तुम्हारी तलवार कर रही है, काल तो बिना काम के ही बदनाम हो रहा है। ठीक है।